नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई एक बात करनी थी आप लोगों से। मैंने एक टिकट से रिलेटेड बहुत सारे अब की अगर कंडीशन देखा जाए सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स टिकट ये ऑप्शन बचा लोगों के पास। कोरोना को तो लोग भूल ही गए, सच्चाई है। इसी मैटर पे हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर रोज़ अच्छी अच्छी अपडेट विदेश से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहे। शुरुआत करते हैं साथियों फ्लाइट से रिलेटेड। भाई देखिए 15 अप्रैल से पहले तक काफ़ी सारी लोगों ने टिकटें बुक करवाई थी। ठीक है, टिकट बुक हो भी चुकी थी, आप लोगों ने भुगतान भी कर दिया था, लेकिन आपको क्या लगता है पैसा रिफंड हो जाएगा? 100% आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, क्योंकि टिकट आपने बुक करवाई। आप ये तो है नहीं कि आपकी फ़्लाइट में सीट खाली थी, वो फ्लाइट फ्लाई कर गई, ऐसा तो कुछ था नहीं। लॉकडाउन होने की वजह से मेट्रो स्टॉप हो गया तो आपके पैसे तो स्टॉप हो गए ना, पैसे आपके इन्वेस्ट कर दिए। आगे लॉकडाउन हो गया, फ़्लाइटें नहीं उड़ पाई, तो आपका पैसा सेफ होना चाहिए ना। ये जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की भी बनती है, जो फ्लाइट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका पैसा या तो रिफ़ंड करें। उसमें क्या है कि फ्लाइट्स ने ऑप्शन दिया है कि वो रिफ़ंड नहीं करेंगे, वो टाइम दे दिया कि एक साल तक का आपको टाइम है कि आप कभी भी आप इसमें फ़्लाइट कर सकते हैं। आपको हम वाउचर दे देंगे एडवांस में, आपको हम टिकट दे देंगे, आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। ये न्यूज़ चल रही थी। अभी जो आज की न्यूज़ लेटेस्ट आई है, मैं बता, इंडिया की अगर बात करें तो भाई केंद्र सरकार ने साफ साफ एयरलाइंस को आदेश दिया है कि 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक जो टिकटें आपने बुक करी थी, क्योंकि आपको पता है 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टिकटें बुक करवा ली थी क्योंकि ऑनलाइन टिकटें बुक हो रही थी। सबको लग रहा था कि 14 तारीख को लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो फ्लाइट चालू हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोगों ने टिकटें ओपन करवा ली 14 अप्रैल के बाद में। 15 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में जितनी भी टिकटें ओपन हुई हैं, जिनके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, जिनकी टिकटें बन चुकी हैं, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया 3 मई तक, तो उसमें आपको पता है भाई लॉकडाउन की होने की वजह से फ़्लाइट लोग नहीं कर सके तो लोगों के पैसे तो लग गए। कंपनियां उनको क्या कर रही हैं कि अभी लॉकडाउन होने की वजह से फ़्लाइट बंद हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं कि भाई पैसा आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, हम आपको वाउचर दे देंगे या फिर टिकट ले लो, आगे करवा लो। वही जो लालच देने की वाली बात है, सेम टू सेम वो है। केंद्र सरकार ने साफ साफ फ़्लाइट्स को बोला है, इंडियन फ़्लाइट जितनी भी हैं जिन्होंने बुक करी हैं, कि 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक जिन्होंने भी टिकटें बुक करी हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, उनको पैसा रिफ़ंड किया जाए। अगर आप गवर्नमेंट ने साफ साफ आदेश दे दिया रिफ़ंड करना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसे लेते हो या फिर भाई कंपनी आपको बोल देती है कि भाई लॉकडाउन तो ओपन होगा, ये तो तय बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इस स्थिति की वजह से। तो जब आप अगर चाहो तो आप वाउचर लेके आप टिकट अपनी आगे बढ़वा सकते हो, चाहो तो आप अपना पैसा ले सकते हो अपनी कंपनी, जिस कंपनी की आपने टिकट बनाई थी, जिस एयरलाइन की टिकट आपने बनाई थी, उससे आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हो। ऐसा केंद्र गवर्नमेंट ने बाकायदा आज की डेट में आदेश दिया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एयरलाइंस को 3 मई तक की टिकटों का पैसा लौटाना होगा। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल से 3 मई तक की टिकटें रद्द कर यात्रियों को 3 हफ्ते में पैसा रिफंड करें। अभी एयरलाइंस यात्रियों को वाउचर दे रही हैं जिनमें 1 साल तक की यात्रा की जा सकती है, यानी आप 1 साल में कभी भी यात्रा कर सकते हो। लेकिन भाई वही बात है, 3 हफ्ते 21 दिन में तो यार लॉकडाउन ही ओपन हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो मुझे नहीं लगता पैसा रिफंड लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टिकटें तो आपने करवाई हैं जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो आप जो ऑप्शन कंपनियों ने दिया वो ठीक रहेगा। बाकी कोई नहीं जाना चाहता वो पैसा ले सकता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी करी। टिकट से रिलेटेड जो अपडेट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।